हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरचे एजुकेशन ऑफ बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटिन्यू एंड दिस पार्ट टुडे वी स्टडी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज वेरी ब्रॉड पार्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी सी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप की रिएक्शंस देते हैं, कौन एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं ये कितने टाइप की रिएक्शन देते हैं। स्टूडेंट, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो सिक्स टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप की? सिक्स टाइप की रिएक्शन इसकी पढ़ेंगे। छह कैटेगरीज में इसकी रिएक्शंस को डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑलरेडी स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कार्बोनाइल कंपाउंडों की सबसे मेन रिएक्शन जो होती है वो मेन रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं आप देख के सबसे पहले इनकी बात करें। आपने स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है? कार्बोनाइल कंपाउंडों का स्ट्रक्चर है, ओके। और मैंने आपको बताया था माइग्रेशन ऐसे करता है, ये वाला ग्रुप यहाँ जाने के बाद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बना ली थी स्टूडेंट्स, ऐसे सी और ओ। ये वाला कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और इस पर पार्शली कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। इस पर पार्शली कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, जैसे अपन ने जोड़ा एच एक्स, ये क्या है? एच एक्स है, ये मोलिक्यूल है, इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट। कौन सा पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? ये वाला पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा? नेगेटिव पार्ट पे एडिशन हो जाएगा। ये कौन क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर ऐड होता है, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कार्बोनाइल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर। अब अपन देखने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो किस में फास्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एल्डिहाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है कीटोन की कंपैरिजन में फास्ट रिएक्शन देते हैं, क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो उसके दो रीजन है बेटा। कितने रीजन है? दो रीजन है कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन की तुलना में मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं। दैट मीन्स एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइडों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन के कंपेरिजन में हाई होती है, क्यों? एल्डिहाइड स्टार्टिंग कहां से होते हैं? अगर बात करें अपने एल्डिहाइड की तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच और ये एच, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा अगर बात करें तो ये दूसरा अपने पास में है सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपके पास में है एच, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। और अगर अपन तीसरा बात करें तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? अगर अपन यहाँ पर सी एस थ्री और यहाँ पर लगाते हैं सी एस थ्री तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या हो गया? कीटोन। अब देखना इन तीनों कंपाउंडों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। अब आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की जितनी डिफिशियंसी रहेगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? फास्ट एड होगा। इसका मतलब है यहाँ जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं R और R डॉट जो अपन लगाते हैं ये वाले ग्रुप हैं उनके ऊपर डिपेंड करता ही है। दैट मीन्स ये वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तब तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसको डोनेट करने वाला अगर मिल गया यहाँ पर तो उसकी पॉजिटिव जो चार्ज आया था उसको क्या कर देगा? उसको हैंडल कर देगा। अगर ये वाला ग्रुप जो अपने जोड़ रखा है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन से वाला है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, उल्टा अपोजिट हो गया, यानी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन की और भी ज्यादा कमी कर देगा या फिर डिफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी। और अपन यही चाहते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डिफिशियंसी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक कर सकेगा, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि डिफिशियंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? मोर हो जाएगी। तो मोर कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप यहाँ पर ऐड होना चाहिए। अब अपन देखते हैं यहाँ पर इस वाले में कंपेरिजन करते हैं। सी एस थ्री जो ग्रुप होता है, मिथिल ग्रुप जो होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट काम करता है। कौन सा ग्रुप काम करता है? प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये क्या करेगा? डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। किसके ऊपर? इस कार्बन पर।
यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, यहाँ पर दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पर माइनस प्लस आई प्रभाव ज्यादा लग रहा है क्या, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्या होगा, डोनेटिंग पावर ज्यादा है तो दो ग्रुप यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाले हैं, यहाँ पर कितने इंडक्टिव शब्द शो कर रहे हैं वो एक ही ग्रुप है, यहाँ पर कितने ग्रुप है, दो ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर एक भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो रिएक्टिविटी के आधार पर देखिए दो फैक्टर हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट देते हैं कंपैरिजन किसके, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में फास्ट होते हैं, क्यों, उसका रीजन आपको देना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी फर्स्ट रीजन आपको देना है क्या, फर्स्ट रीजन इसमें है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या इंडक्टिव इफेक्ट है, कार्बोनिल कंपाउंडों में एल्डिहाइड पर है फॉर्मेल्डिहाइड पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं रहता, सिर्फ हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आई प्रभाव न्यूट्रल होता है। बट इस वाले में जाने पर थोड़ा सा प्लस आई प्रभाव इंक्रीज होता है एक ग्रुप आने के कारण, बट यहाँ पर दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण प्लस आई ग्रुप वाले इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, और भी कम हो जाती है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। ये तो फर्स्ट रीजन था इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। सेकेंड रीजन क्या रहेगा, फर्स्ट वाला इफेक्ट अपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, सेकंड वाला रीजन क्या रहेगा, सेकंड रीजन बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, आ ग्रुप का नंबर बढ़ जाता है कार्बन के ऊपर, जैसे अपन कहते हैं एक कार्बन आपने जोड़ रखा है इस टाइप से, ग्रुप की नंबर्स कैसे बढ़ जाते हैं देखिए, स्टार्टिंग आपने यूज किया कार्बोनिल कंपाउंड स्टूडेंट सी वाला, ओके, और यहाँ पर मेरे पास में एल्डिहाइड था, ये ला फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्ट वाला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड मैंने स्टूडेंट ले लिया ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला आपके पास में सी एस थ्री ओ ये, ओके। तीसरे वाला कंपाउंड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कीटोन, कौन सा यूज कर रहा हूँ कीटोन, सी एस थ्री सी एच थ्री और सी एस थ्री, ये एक्टिविटी आपको चलती जा रही। अब मैं क्या करता हूँ आगे जाके इस ग्रुप को और बढ़ा देता हूँ, कीटोन का ग्रुप था सी टू एच फाइव था, अब मैं लगा दिया यहाँ पर सी एस थ्री की जगह सी टू एच फाइव, और यहाँ पर क्या लगा दिया सी टू एच फाइव, आगे जाके मैं और भी ग्रुप को बढ़ा देता हूँ, यानी जुड़ने वाले जो ग्रुप है आर ग्रुप जो मैं जोड़ रहा हूँ इस कीटोन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर आर ग्रुप का साइज आर या आर डॉट अपन यूज करते हैं, इनका साइज इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गई सो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्या हो जाएगी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर यहाँ पर दूसरा काम करता है, कौन सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क काम करती है, क्या काम करती है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम करता है। तो दो फैक्टर यहाँ पर होंगे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए, ओके। तो ये अपन ने दो फैक्टर की बात की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कौन कौन से फैक्टर हैं डायरेक्टली इसको इफेक्टेड करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स किसके, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनकी रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन है वो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, किससे रिएक्शन कराने हैं अपन, हाइड्रोजन साइनाइड है ये, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसे मैंने रिएक्शन करा दी इसकी कीटोन के साथ, जैसे ये है आपके पास में सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, क्या स्टूडेंट ये कीटोन, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, हाइड्रोजन साइनाइड, ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन साइनाइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये कौन सा आएगा नेगेटिव, इस वाले का माइग्रेशन होगा ये वाला यहाँ पर, इस पर पार्शली कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इस पर पार्शली कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास भी क्या होगा पॉजिटिव, दैट मींस क्या बढ़ गया आपके पास एस ए सी, ओ के पास तो कौन आ गया एच, और यहाँ पर कौन जोड़ हो गया सी एच, ये ग्रुप आपके पास में जुड़ गया यहाँ पर ये वाला, ये कहलाती है साइनोहाइड्रिन, क्या कहलाएगी साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं इसको साइनोहाइड्रिन, ओके, ये कहलाता है एडिशन प्रोडक्ट, क्या कहलाएगा साइनोहाइड्रिन, क्या क्या बना कार्बोनिल कंपाउंड के एसिड के एडिशन से बना साइनोहाइड्रिन, ओके। अब साइनोहाइड्रिन का अपन क्या कराते हैं आगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है HOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, जैसे साइनोहाइड्रिन का अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं स्टूडेंट इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और जैसे हाइड्रोलाइसिस वाले पार्ट का होता है स्टूडेंट ये अपने पास कंपाउंड बन जाता है OH, और यहाँ पर बढ़ गया COOH,
एच, क्या बन गया सी ओ एच, और ये है सी एच थ्री। ये कहलाता है क्या, लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एल ए टी आई सी, लैक्टिक एसिड। ये कहलाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, कंपाउंड देगा यहां से और पूछ लेगा कंपाउंड ए क्या बना और कंपाउंड बी, ये कंपाउंड ए का फॉर्मेशन क्या हुआ, कंपाउंड बी का फॉर्मेशन क्या हुआ, आपको दे देगा यहाँ पर एसीटोन लिख देगा, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन लिख देगा, और रिएक्शन कराने के बाद पूछेगा ए वाला कंपाउंड क्या बना, उसका हाइड्रोलाइसिस अपन ने करवाया, यहाँ पर लिख देगा हाइड्रोलाइसिस, और अब पूछेगा बताओ हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद लैक्टिक एसिड क्या, कौन सा कंपाउंड बनता है, उसका नाम लिखो या आईपीसी नाम लिखो। अब आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका आईपीसी नाम अपन देखे, ये वाला कार्बन एल्फा क्या कहलाएगा, एल्फा हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है, 1 2 3 की चेन है ये वाली, एल्फा हाइड्रोक्सी वाला क्या बन जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक लगाएंगे, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, और इसी का एक वन वर्ड नाम क्या है, कॉमन लैक्टिक एसिड। ये तो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस टाइप से होती है, ये फर्स्ट रिएक्शन अपने पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसके रिएक्शन कैसे कराते हैं। ओके, ये वाला पार्ट अपन इसके अंदर थे, नेक्स्ट अपन बात करने वाले दूसरे टाइप की रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वो कौन सी रहेंगे अपन, सेकंड, तो वो सेकंड अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, दैट इज क्लियर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की, कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेन रिएक्शन होती है, जो दो रिएजेंट्स को फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दी है, और मैंने एक आपको रिएक्शन बताई है, इसका एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, इसका फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट में अपन देखने वाले हैं, उसकी बातें करेंगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन। थैंक यू।